ऑफिशियल आदेश जारी, परीक्षा स्थगित, कैंसिल क्यों? ग्रेस से पास खतरा, 69 या चयनित परेशान? सचिव का आदेश था। तो मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लेटर जारी हुआ है जिसमें कि लेखपाल जो भर्ती का एग्जाम होना था वो 19 जून 2022 को किया जाना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 जून 2022 को किया जाना प्रस्तावित था, अपहरण कारणों से इसको दिनांक 19 जून को कर दिया गया था। अब जो दिनांक 24 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, मतलब कि जो परीक्षा 19 जून को होनी थी लेखपाल भर्ती परीक्षा को हटाकर अब 24 जुलाई कर दिया गया है। आज की ये बहुत बड़ी अपडेट थी। और दूसरी जो सम्मिलित प्रवर अपर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा जो थी उसका जो आयोजन करना था वो 29 जून 2022 को करना था, लेकिन उसके स्थान पर 17 जुलाई को किया जाना है। तो लेखपाल भर्ती के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए बहुत ही कुछ सुखद खबर भी है, क्योंकि उनको कुछ टाइम और एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। 19 जून का पेपर 24 जुलाई को होगा और जिनकी तैयारी पूर्ण है उनके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान भी है कि भर्ती परीक्षा लेट हो रही है। तो ये दो परीक्षाएं यहाँ पर स्थगित कर दी गई हैं। तो अब बात कर ले रहे हैं ग्रेस वाला मैटर जो था उन्नत शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो वायरल लेटर क्या था कि इसमें क्या था, 67,867 चयनित शिक्षक हित था। दो दिन पूर्व वायरल लेटर जिला सीतापुर जनपद की एक महिला अध्यापिका का है जिन्होंने बीएड में 359 मार्क्स मिला था। विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें प्रथम श्रेणी से पास होने हेतु एक मार्क्स ग्रेस का दे दिया था। ये मार्क्स सिर्फ प्रथम श्रेणी दर्शाने के लिए दिया गया था। महिला अध्यापिका ने अपने सुपर टेट ऑनलाइन फोरम में 360 मार्क्स भर दिए। दिसंबर और मार्च में संशोधन विज्ञापन में दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने एक मार्क्स जो उनकी मार्कशीट में वो सिर्फ श्रेणी दर्शाने के लिए दिया गया था उनके अनुसार ऑनलाइन फोरम में 359 की जगह 360 भर दिए गए थे, जिस कारण मेरिट प्रभावित हो रही है मार्कशीट सत्यापन के दौरान। सो गाइस ये बहुत बड़ी अपडेट है कि एक मार्क्स की वजह से यहाँ पर मेरिट प्रभावित हो रही है। सरकार का हवाला ये है कि एक मार्क्स की वजह से जो मेरिट प्रभावित हो रही है और हो सकता है कि इस जिला में इनका नंबर नहीं आता किसी और अदर स्टूडेंट का ना, तो अब देखना ये है कि इन पर क्या विभागीय कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है। वहीं पर महिला अध्यापिका ने अपने बचाव के लिए याचिका सुनील सिंह बसिस यूपी उदाहरण दिया, जिसमें सुनील सिंह को किसी विषय में 28 मार्क्स मिले थे हाई स्कूल में और 5 नंबर का ग्रेस देकर उन्हें पास कर दिया गया। वो मार्कशीट में ऐड नहीं किए गए, सिर्फ उन्हें पास दिखा दिया गया। ग्रेस के साथ महिला अध्यापिका द्वारा मामले को कोर्ट में ले जाया गया है और कोर्ट ने दोनों पक्षों के मामले को सुनने के पश्चात विभाग से अपील की है, अपील को एक्सेप्ट कर लिया कि ये कहते हुए कि ये मामला फॉरम संशोधन का था, अतः भविष्य में जितने भी चयनित अभ्यर्थी अध्यापक साथी हैं 69 या शिक्षक भर्ती में चयन पा चुके हैं उनका चयन निरस्त हो सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर एक नंबर की वजह से मेरिट प्रभावित होती है तो उनका चयन निरस्त भी किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला देता है, कोर्ट फैसले के अधीन रहेगा। और दूसरा विभागीय मामला है तो विभाग के द्वारा जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सभी अभ्यर्थियों को लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। और उनके शिक्षक भर्ती से संबंधित या आने वाली शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर दें जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। थैंक यू गाइस।